ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा के अंसल मॉल में एक युवक 2.5 लाख रुपए के मोबाइल शोरूम से लेकर भाग गया। शोरूम के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश ने सुरक्षा कर्मी पर तमंचा तान दिया और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस चौकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क थाना एरिया के अंसल मॉल में स्थित एक मोबाइल के शोरूम में एक युवक मोबाइल खरीदने के बहाने आता है और मोबाइल देखते हुए शोरूम में रखे दो मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है लेकर फरार हो जाता है। शोरूम में तैनात कर्मचारी जब उसका पीछा करते हैं तो बदमाश के द्वारा युवकों पर तमंचा तान दिया जाता है, जिससे शोरूम में काम करने वाले कर्मचारी भयभीत हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर बदमाश मोबाइल लेकर फरार हो गया। देखने वाली बात यह है कि अंसल मॉल के गेट पर ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। वह पीड़ित का कहना है कि दिन ढलते ही बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित नीरज का कहना है कि इसकी शिकायत पुलिस से की है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है। मेरी काफ़ी वर्षों से मोबाइल की दुकान है जो कि अंसल प्लाजा मॉल परिसर ग्रेटर नोएडा में है। 11 तारीख की रात तकरीबन 7:30 से 8 के बीच एक युवक मेरी दुकान में ग्राहक बन के आया और उसने मेरे से आईफोन के लिए बोला कि मेरे को आईफोन चाहिए। तो मैंने उसको आईफोन 13 प्रो जो कि था मैंने उसको दिखाया। उसने मेरे से कहा कि मेरे को दूसरा कलर भी एक बार दिखा दीजिए कि मेरे को दोनों कलर देखने हैं। मैंने उसको दूसरा फ़ोन भी उठा के दिखा दिया और देखते देखते ही वो अचानक से उनको लेकर दुकान से भाग गया। मेरा लड़का उसके पीछे जैसे भागा तो मैं भी भागा, लेकिन मेरा लड़का जब उसको जैसे उसको लगा कि वो सब पकड़ने वाला है, उसने उसके ऊपर हथियार तान दिया और कहा कि तू वापिस चला जा वरना तेरे को गोली मार दूंगा, जिससे कि मेरा लड़का डर गया और आरोपी फोन लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।